नेक दिल, दरिया दिल इंसान जिनकी सामाजिक कार्य के साथ सभी वर्गों का सम्मान सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना अब तो उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या बन गई है। नाम है सुधांशु रंजन। असहाय लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहन राशि देना हो या उत्साह बढ़ाने हेतु क्रिकेट के मैदान में या जन समस्या से भरी हर पहलू की बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि अभी किसी पद पर नहीं होते हुए भी समाज के सजग प्रहरी बनते जा रहे हैं। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमनौर आने के क्रम के में कटसा के पास से कुत्ते को किसी गाड़ी वाले ने कुचल दिया। उनकी नजर पड़ी उस घटना स्थल पर पहुंच अपने लोगों के माध्यम से उसका त्वरित इलाज भी कराया। जब वह जानवर के प्रति इतने दयालु और सेवा भावना रखते हैं तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि जब इस इंसान की सोच कितनी बड़ी है। वहीं आज जमनौर प्रखंड स्थित कोरिया पंचायत में महिला दिवस पर कुछ महिलाओं को चरण स्पर्श जल से पांव पूजन कर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। MLC प्रत्याशी सुधांशु रंजन का कहना है कि महिला दिवस प्रत्येक दिन होना चाहिए। महिलाओं की वजह सृष्टि की रचना हुई है, उनका सम्मान सदैव होना चाहिए। उनके साथ मनोहर यादव, अविनाश कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। महिला दिवस को लेकर सुधांशु रंजन का क्या कुछ कहना है, देखिए यह रिपोर्ट। आज महिला दिवस है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, आज महिला दिवस है, मातृ दिवस है। मातृ दिवस का मुख्य रूप यही होना चाहिए कि महिला है तो जगत जननी के रूप में होती है, तो जगत पूरा जो सृष्टि है वो महिला का ही देन है। तो हर दिन एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, अपने माता पिता से शुरू होता है, माँ बहन से शुरू होता है। शिक्षा के रूप में भी महिला दिवस के रूप में मनना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रथम दायित्व अगर शुरू होता है तो माँ के वजह से ही शुरू होता है। तो महिला दिवस पे हर एक पुरुष हर एक दिन एक ऐसा सोच लेके उत्पन्न हो कि जब निकले तो उसको लगे कि नहीं, अगर महिलाओं का रक्षा, महिलाओं का सुरक्षा और महिला का सम्मान अगर हम बढ़ाते हैं, महिला का सहभागिता अगर सब चीज हर क्षेत्र में बढ़ाते हैं तो एक नया जीवन मिलेगा। और महिला का सुरक्षा करना मुख्य रूप से इस पूरे समाज के लोगों को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। आज आपके द्वारा किसी तरह का कार्यक्रम किया गया? जी, मेरे द्वारा अमनौर प्रखंड के कोड़िया पंचायत में बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेने का काम हमने किया और उनका पैर धो के आशीर्वाद लेने का कार्य किया। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम सुधांशु रंजन हुआ।